नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप मेरे मास्टर सेलर्स चैनल में। भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 चौकों के कुछ बहुत ही अच्छे से स्टेप्स, जो स्टेप्स मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताए हैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक सीरीज वाइज आपको जितने भी मैं वीडियोस बना के दूंगा वो वन बाय वन आपको मिलते चले जाएंगे। तो इसका मैंने दोस्तों आगे के स्टेप्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है 9 चौकों के ऊपर, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एंड स्क्रीन और कार्ड में भी उस वीडियो को जरूर दूंगा, ताकि आप वहां से जा करके पिछली वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो वहां से सीख सकें। तो दोस्तों, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, चलिए फटाफट शुरू करते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो स्टेप्स करके बता देता हूं जो मैंने पिछली वीडियो में बना करके आपको दिखाया था। होप आपने उसकी ट्रेनिंग अच्छे से कर ली होगी। इन केस अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो तो मैं आपको लिंक में दूंगा, बट उसमें जो मैंने किया है वो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। उस टेक्निक को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, और सारे स्टेप्स वन बाय वन करके आगे मैं फ्यूचर में आपको बनाकर देता रहूंगा। तो वो कुछ स्टेप्स इस तरीके से थे दोस्तों। पहला स्टेप जो मैंने बताया था, उससे बताया था दोस्तों अपर अटैक के लिए, जैसे यहाँ पे अगर आप 9 चौक रखते हैं तो उसे ऊपर से मारने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैंने दोस्तों बताई थी, जो आप साइड कट करते हैं इस तरीके और इस तरीके से, यहाँ से दोस्तों मैंने एक अटैक करने के लिए बताया था। जैसे इस हाथ में 9 चौक आया तो यहाँ से इस तरीके से मारने के लिए मैंने बताया था। और तीसरी चीज जो मैंने बताई थी भाइयों, वो पीछे अटैक करने के लिए, जैसे इस तरीके से यूं खड़े हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे, ये जैसे पीछे को बंदा एक झलक देखा और यहाँ से उसे मार दिया, इस तरीके का मैंने आपको लाइव करके दिखाया था। तो अब दोस्तों, इससे आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से खड़ा होना है, लगभग 1 से 1.5 फीट का स्टेप लेना है आपको पैरों से, और हल्का सा अपनी बॉडी डाउन करना है। 9 चौक को दोस्तों साइड टू साइड रोटेट करते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से भाइयों आपको अटकाना। इसे दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये 1, दूसरा ये 2, और यहाँ से दोस्तों ये जैसे आप ऊपर इधर लाएंगे यहाँ से आप उसके ऊपर अटैक करेंगे। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से करके बताता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसे दोस्तों एक बार मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ कि आप स्लो मोशन से अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इसी को स्पीड में करके दिखाता हूं कि अगर आप इसी बेसिक ट्रेनिंग अच्छी तरह से करेंगे तो आप कितनी अच्छी स्पीड से इसे चला सकते हैं और अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको स्पीड में करके दिखाता हूं। तो अगर आप दोस्तों पर डे इसी ट्रेनिंग करेंगे अच्छी तरीके से स्लो मोशन में, जैसे मैंने बताया उसे देख करके आप ट्रेनिंग करेंगे, तो दोस्तों एक दिन आप इस चीज को मेरे से भी अच्छी स्पीड में कर सकेंगे। कहते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतने ही अच्छे होते जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा आप लोहे का 9 चौको बिल्कुल ना यूज़ करिएगा। अगर आपको दोस्तों सीखना है तो फॉर्म के 9 चौको आते हैं, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जा करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा 9 चौको आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, सॉफ्ट 9 चौको भी आते हैं जिससे सीखते वक्त इंजरी नहीं आती है, उसमें उसके जो हैंडल्स होते हैं उसमें फॉर्म लगा होता है
इन केस अगर आपने अपने आप को उससे हिट कर दिया तो उतनी आपको इंजरी नहीं आएगी जितनी एक लोहे के नाइन चाकू से आ सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप प्यार से जाते थे लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियो बना सकूंगा। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।